अभी एम टी ब्रदर्स और थैंक यू भाई, थैंक यू आप यथाशीघ्र रिस्पेक्ट देने के लिए। पहली बार कहीं पे नहीं, दूसरी बार रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी को, लट्ठा टोली कमेटी और ये SIS डार टोली की टीम और एम टी ब्रदर्स दोनों के बीच अभी फर्स्ट सेमीफाइनल का जो है पेनाल्टी शूट आउट होने वाली है। 20+20 का ग्राउंड में मैच हुई, लेकिन जो है दोनों टीम कड़ी संघर्ष करी और बराबरी पे रही। सुनिए कोई भी टीम स्कोर नहीं कर सकी, तो आइए देखते हैं पेनाल्टी शूट आउट। चल दिख रही हर ये पहले भी और फुटबॉल लवर्स 23 और टॉस का सिक्का उछला गया था और हो गया। अब टॉस कौन सी टीम जीती है, एम टी ब्रदर्स टॉस जीत चुकी है। तो यहाँ का भी दिखा दे थोड़ा सा भाई, हाय कर दो भाई, जीता रहा है, जिताएगा उम्मीद करते हैं कि आज कोई मिस ना हो। काफ़ी बारी जो है ग्राउंड में शूट आउट करते, सॉरी वीडियो शूट करते, खुद जो है कैमरा ऑफ हो जा रहा था यार, पता नहीं क्यों। उम्मीद है इस बारी कोई ग्लिच वगैरह ना आए फ़ोन में। फर्स्ट पेनल्टी शूटर एमटी ब्रदर्स टीम की ओर से, और दर्शक तो देख ही पा रहे हैं, देखने के लिए जो है सारे इधर ही आ गए पूरी ग्राउंड से। हालांकि ग्राउंड में ही हो रही, लेकिन दर्शक जो थे वो उत्तरी छोर में बैठे हुए थे, सभी कोई यहीं पर आ गए और सामने से देखने का मज़ा ही कुछ और है शायद। चाहे जो है ऑडियंस को कितना भी मना कर लो, सामने से ही देखने आती है। ठीक है, ऑडियंस का ही सपोर्ट से जो है, और ये देखिए करारा शॉट एमटी ब्रदर्स की ओर से, पहला करारा शॉट। और यहाँ पे शूट आउट का रूल जो है 1/1। वन बाई वन है, तो चलिए देखते हैं। और ये भी करारा शॉट SIS डार्ट टोली की ओर से भी करारा जवाब मिलते हैं करारा शॉट के द्वारा। और इधर से है, और ये सबसे टीम में कम उम्र वाला प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर, देखते हैं अच्छा करेगा, उम्मीद है। मैंने हमेशा से इससे अच्छा उम्मीद करा है, लेकिन कहीं पे जो है उम्मीद पे पानी फेर दिया इसने, लेकिन अच्छा प्लेयर है, इस बार अच्छा करेगा। रंजीत उराव फिर से यार, ये अपना असली वाला रूप क्यों नहीं दिखा रहा है यार, असली वाला जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर से वही हो गया जिसका डर था, कीपर भी कम नहीं है इस वजह से, प्लेयर का जज्बा फीका पड़ जा रहा है शायद। और काफी धूप है इस वजह से थोड़ी सी, ये देखिए इसने जो है खुद से ऑफर करा
ले भाई क्यों हारेगा तू भी, बराबरी करा देते हैं, धड़कन तेज होने मत दे। और देख पा रहे अभी जो है मैच तो अभी शुरुआत ही हुआ है दोस्त, अभी क्या होगा कहना मुश्किल है। देखते हैं यहाँ से फाइनल के लिए क्वालिफाई कौन सी टीम करती है, एमटी ब्रदर्स या तो एसआई स्टार्ट टू ली। और इस साइड धूप है, उस वजह से प्लेयर वगैरह उतनी प्लेयर का फेस दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर एसआई स्टार्ट टू ली इस स्कोर करती है तो बड़े-बड़े फेस हो जाएगी। अभी बराबरी पे ही चल रही है यूं समझ लीजिए, अगर स्कोर करते हैं तो। बराबरी पे ही चल रही है और ये कीपर अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाने में इसका काफी बड़ा योगदान रहा, अन्यथा गेम में ही जो खेल में ही है निर्णय हो गया होता और जो है एसआई स्टार टोली हार चुकी थी, क्योंकि जो है एमटी ब्रदर्स को काफ़ी चांस मिला था, कीपर ने जो है अपना चांस झोंक के टीम को बराबरी दिलाई है यूं समझ लीजिए। हालांकि सभी प्लेयर ने अपना जो है 100% दिया। मंगले भाई गेम में तो बेहतरीन करते हैं, यहाँ पर भी पेनल्टी शूट आउट में बिल्कुल स्ट्रेट गया था, लेकिन कीपर जो है बैलेंस खो दिए, कहीं और टारगेट लगाए बैठे थे तो अनबैलेंस हो गए। और जो है एसआईएस डार टोली के जो है कीपर इस वक्त चेंज हुए हैं, जरूर कुछ ना कुछ स्किल होगा, जज्बा है, उम्मीद है, इस वजह से पोस्ट पाए हैं कीपर। देखते हैं तो बराबरी हो गई है। देखते हैं अभी सेकेंड क्या रूल है तो। थ्री प्लस थ्री का शूट आउट होगा, और देख
यही मिस्टेक जो है टीम को हार दिला सकती है, लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि चांस है। अभी दो प्लेयर बचे हुए हैं, इधर से भी और उधर से भी। जो है SIS डार टूली को उम्मीद के अलावा और उसके पास चांस तो खो चुके हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ हो जाए, चांस उसे भी उन लोगों को भी है अगर कुछ हो जाए यहाँ पे मिस्टेक, या तो सेव कर ले खिलाड़ी मिस्टेक कर देते या तो कीपर रोक लेते तो और ज़्यादा जो है उम्मीद रहती है SIS डार टूली को। कीपर जो है यहाँ तक ले के आए अपनी टीम को SIS डार टूली के, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, थोड़ी सी हो जाती है। अगर स्कोर करती है अभी एमटी ब्रदर्स की, अगर स्कोर करते हैं ये प्लेयर एमटी ब्रदर्स के तो शिवम भाई, अगर स्कोर करते हैं तो जीत जाएगी मैच एमटी ब्रदर्स। अगर बचा लेती है SIS डार टूली के, बचा लेते हैं SIS डार टूली कीपर तो फिर चांस रहेगा दोबारा से। और ये एमटी ब्रदर्स फाइनल खेलने के लिए अपनी टीम को क्वालिफाई कर चुके हैं, करा दिए हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अच्छा किया इन्होंने भी, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से पिछड़ते हुए। अगर दोनों ही टीम नहीं हारेगी तो फिर जीतेगा कौन, सॉरी दोनों ही तो जीत नहीं सकता, इसलिए थैंक यू। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके शेयर कर दीजिएगा अपना जहाँ भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहाँ पे। धन्यवाद।